मेरे दोस्तों, रात को दो दो तीन तीन बजे तक मोबाइल पर बिजी हमारे ये जवान, इन लोगों को शर्म नहीं आती। अभी 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 मौना सौरभ साहब, एक वाकया मेरे साथ आया कि मैं हमारी बिल्डिंग से गुजरात में, मैं गुजरात का रहने वाला, मैं अपनी बिल्डिंग से ऐसे नीचे उतर रहा था, एक लड़का जो मेरे हाथ पर बैत हुआ है, अब वो रोज़ाना बेचारा मेरी खिदमत करता, कब मैं जैसे उतरा वो बिल्डिंग के नीचे बैठा मोबाइल पर कुछ कर रहा था। उसको यही पता नहीं चला कि मैं आया और मैंने सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। उसको ये भी नहीं मालूम कि कारी साहब ने मेरे को सलाम किया। मैं जब बाहर चला गया, मेरी गाड़ी की तरफ गया, फिर मैंने कहा नहीं, इसको वापस जाना चाहिए, इसने मेरे सलाम का जवाब भी नहीं दिया। इसको पता भी नहीं चला ये मुझसे बैत हुआ है, ये रोजाना कितना जिक्र करता है, ये रोजाना कितनी मर्तबा दरूद पढ़ता है। मैं फिर वापस आया और आकर मैंने फिर कहा अस्सलाम वालेकुम, और इतना जोर से कहा कि वो चौंका, और चौंकने के बाद वो मोबाइल हाथ में था। मैंने कहा क्या हुआ? अच्छा, मैं एक बात आपको ये बताऊं कि जब मैं आया ना तो इतना बिजी था मोबाइल में, वो तो मेरे सलाम करने पर चौंका, वरना इतना बिजी था यूं करता था, ए जीत गया, आओ मैं जीत गया, आओ मैं जीत, अकेला अकेला जीत गया। भाई कोई सामने हुए तो आदमी जीत जाए ना, अकेला अकेला जीत गया। तो मैंने उसको कहा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अब वो चौंका। मैंने कहा क्या कर रहे हो? अब वो पहले तो छुपाने की कोशिश किया, मैंने कहा देखो सही सही बताओ ये सब क्या हो रहा। तो उसने कोई गेम का नाम लिया, मैं भूल रहा हूँ, हाँ हाँ ये देखो किसी को याद है, कोई बहुत होशियार है यहाँ पे, वो गेम का नाम लिया, पबजी पबजी कुछ नाम लिया उसने, और मुझे कहा कि मैं इधर बैठा हूँ, एक जो है वो गुजरात के दूसरे किनारे पर बैठा है, एक महाराष्ट्र बम्बई में बैठा हुआ है, एक जो मेरे साथ में खेलता है वो कहीं और इलाके में। तो मैंने कहा ये है क्या? तो उसने जब मुझे बताना शुरू किया, मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन अल्लाह की कसम उसने एक बात मेरे को बताई। मैंने कहा तू जोर जोर से चिल्लाता था मैं जीत गया, यहाँ तो कोई है नहीं, तू कैसा जीत गया? कहा नहीं मौलाना, वो मैंने एक बटन दबाया, वो बंदूक से गोली निकली, सीधे जो टारगेट था उस पे जाकर लग गई, 1000 पॉइंट मेरे को मिले। मैंने कहा तेरे से बड़ा बावला कोई नहीं होगा। मैंने कहा दुनिया में पावली देखा था, लेकिन ऐसा पावला कोई नहीं देखा मैंने, यहाँ भी बहुत सारे पावले बैठे होंगे मोबाइल पर। और मुझे कहा, मैंने कहा कितना टाइम कितना लगता है ये पबजी जो आप खेलते हो, इसमें टाइम कितना लगता? कहा मौलाना एक मरतबा इसमें एंटर हो जावे फिर निकल नहीं सकता। और फिर कहा कि मौलाना कभी 4 घंटे कभी 5 घंटे। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारो कलकत्ता वालों, साबरा वालों, मैं आपके सामने भीख मांगता हूँ, अल्लाह के वास्ते ये काम मत करो, कहीं ये मोबाइल हमको जहन्नम में तो नहीं ले जाएगा। मैं जो मदरसे में काम करता हूँ ना, वहाँ अभी तक में 27 से 28 डिवोर्स तलाक के केस आए, और हमने जब उसका ऑपरेशन किया कि डिवोर्स हुआ क्यों, ये औरत तलाक क्यों मांगती है, ये औरत इसके साथ रहना क्यों नहीं चाहती है, तो नतीजा निकला वही मोबाइल। बोलो नतीजा निकला वही, ये मोबाइल में झूठ बोलते, जीना करते मोबाइल में, ये मोबाइल में कीमत होती है। अरे मेरे दोस्तों, ये मोबाइल में जुआ खेला जाता है, ये मोबाइल में गैम्बलिंग होती है, इल्जाम लगाते, तोहमत लगाते, किसी को ब्लैकमेल करते। मेरे दोस्तों, ये मोबाइल का जवाब हम कयामत में अल्लाह और हमारे नबी के सामने क्या देंगे? ये लोहे का टुकड़ा है या जहन्नम का टुकड़ा है मेरे दोस्तों? जिसको देखो पूरा दिन मोबाइल पर बिजी, अशरफुल भाई मुख्तार भाई था अल्लाह, यानी मोबाइल तो होगा मगर ये जो गेम पबजी, वो हमारे घर में कौन कौन तौबा करता हाथ ऊपर करे, बोलो आज से ये मोबाइल ये गंदा खेल हम नहीं खेलेंगे। अरे मेरे प्यारो, ये मोबाइल का गुना, हाथ नीचे रख कर एक बात सुनो मेरे प्यारो, ये मोबाइल का गुना कहीं ऐसा ना हो कि कल हमारी बेटी आवारा हो जाए, ऐसा ना हो कि कल हमारी बहन आवारा हो जाए और वो गलत काम पर जाए और हम अपनी बेटी पर गुस्से हो जाए, हम अपनी बहन पर गुस्से हो, ऊपर वाला कहेगा क्यों गुस्से होता है? गुना तूने किया था, सजा तेरी बेटी भुगत रही है, गुना तूने किया था, तेरी बहन सजा भुगत रही है। इसलिए मेरे प्यारो, मोबाइल नहीं छोड़ने का है, मोबाइल तो रखने का है, काय को तोड़ेंगे फोड़ेंगे भाई मोबाइल, 30,000 का 40,000 का, उसमें कुरान की आयतें लेकर आओ, उलमा के बयान लेकर आओ, तकरीर लेकर आओ, नज़म लेकर आओ, नात लेकर आओ, अच्छी अच्छी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जो दुनिया के इल्म है वो उसमें लोड कर दो, ताकि हमारे पास दीन का इल्म भी हो, हमारे पास दुनिया का भी इल्म हो। बोलो करोगे ना इंशाल्लाह? लेकिन ये कौन सी गेम बताई थी, भूल गया? बोलो कौन कौन हाथ ऊपर करो, नहीं खेलेंगे इंशाल्लाह, बल्कि कोई भी गेम मोबाइल पर नहीं खेलेंगे, कोई भी लड़की को नचाने का काम, बोलो पक्का वादा है इंशाल्लाह?